आपका क्वेश्चन है द पॉइंट माइनस 4.0, 4.0 एंड 0.3 आर वर्टिसेस ऑफ अ डैश। देखो ऑप्शंस क्या दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्केलिंग ट्रायंगल। दैट मींस ये तीनों कोऑर्डिनेट आपके कैसे हैं, दे आर व्हाट, ट्रायंगल्स के। ठीक है, तो हम वैसे ही लिखते हैं इसको, तो दिस इज योर ट्रायंगल, तो दिस इज योर ए, ये आपका बी है, ये आपका सी। तो फर्स्ट वाले को हमने ए ले लिया, दैट इज योर माइनस 4.0, सेकंड बी होगा 4.0 एंड थर्ड इज योर सी 0.3। तो आपको क्या करना है, बाय अ डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए और बी जब हम ले रहे हैं तो दिस इज योर एक्स वन और वाई वन, तो एक्स टू एंड वाई टू, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस ऑफ माइनस 4 इज 8। तो यहां पर हो जाएगा 4 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 इज 0, तो इसकी आगे आपको जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया, रूट ओवर 8 स्क्वायर है ना, तो दैट इज इक्वल टू 64। तो रूट ओवर 64 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो आपका क्या हो गया, नेक्स्ट दिस इज योर ए बी, फिर देखो बी सी, बी सी निकालेंगे तो ये आपका एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो 0 माइनस 4, तो 0 माइनस 4 इज माइनस 4 होल स्क्वायर, फिर 3 माइनस 0 इज 3 स्क्वायर, तो कितना हो गया माइनस 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, तो ये हो गया आपका रूट ओवर 25 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका 8 आया था, ये 5 आ गया। नेक्स्ट आपको निकालना है एसी, तो क्या हो गया देखो, तो एसी निकाल रहे हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, 0 माइनस ऑफ माइनस 4 इज प्लस 4, तो 0 प्लस 4 इज 4, 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 इज 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वी कैन से इज 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, तो ये भी आपका हो गया रूट 25 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 5 हो गया। तो नाउ यू कैन सी दो साइड्स आपके सेम है, किसके होते हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल। तो आइसोसेलस ट्रायंगल कहां पर है आपका, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन।